बिगड़ैल रईस जादे का फरारी टेंट, शहर की ट्रैफिक घंटों रही जाम। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस की इन दिनों काफ़ी किरकिरी हो रही है, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो या फिर चाहे कोई और। मगर अब जो किरकिरी हो रही है वो एक रईस जादे की वजह से किरकिरी हो रही है। शहर की एक चौराहे पर एक कारोबारी का बेटा फरारी कार लेकर चौराहे पर स्टैंड कर रहा है। लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तमाशबीन बने लोग स्टैंड देख रहे हैं। सभी की नज़रें इस लाल रंग की फरारी कार पर टिकी हुई हैं, मगर कानपुर के गंगा बैराग चौराहे पर इस बिगड़ैल रईस जादे का नाम है शरद खेमका। मगर कानपुर के इस गंगा बैराग चौराहे पर बिगड़ैल रईस जादे शरद खेमका को किसी ने भी इस स्टैंडबाजी से रोकने की कोशिश नहीं की। कारोबारी के बिगड़ैल बेटे शरद खेमका को पुलिस ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, बस कमर पर हाथ रखकर पुलिस खड़ी रही, इस रईस जादे का स्टैंड देखती रही। फरारी से बार बार चौराहे पर चक्कर लगाता रहा और कारोबारी के बेटे की सुरक्षा में बाउंसर भी लगे रहे और इन्हें बाउंसरों के बीच में ही चौराहे पर स्टैंड होता रहा। ट्रैफिक घंटों जाम होती रही और लोग पुलिस पर भी सवाल खड़े करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होने लगी। शहर में पुलिस की काफ़ी किरकिरी होने लगी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और फरारी वाले शहजादे बाबू को यानी शरद खेमका को गिरफ्तार कर लिया और फरारी कार को भी सीज कर लिया गया है। सुनिए स्वरूप नगर के CO अजीत सिंह ने क्या जानकारी दी है। लोगों के जीवन को संकटापन करते हुए तेज रफ्तार में स्टंट किया जा रहा था, जिस संदर्भ में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कर शरद खेमका को गिरफ्तार किया गया है और उनकी फरारी गाड़ी को सीज कर दिया गया। यूपी पुलिस की पहले भी कई मामलों में काफी किरकिरी हो चुकी है, मगर इस बार जो शहजादे की वजह से कानपुर पुलिस की काफी फजीहत हुई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।